लॉकडाउन में छूट तो मिलना सही है, ठीक है। वो जो अगर लॉकडाउन था भी तो भी बहुत सारे जगहों पे पूरे तरीके से लॉकडाउन तो हुआ नहीं था। पूरे तरीके से लॉकडाउन मतलब बोला गया कि होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं था असल में। तो जहाँ पे जो लोग मतलब तभी तो इतना सारा कुछ फैल गया, नहीं तो अगर पूरी तरीके से बंद किया जाता एकदम टोटल लॉक, तो जहाँ जहाँ पे ये टोटल लॉक हुआ है वहाँ वहाँ पे ठीक हो गया सब कुछ, लेकिन जहाँ पे नहीं हुआ वो नहीं ठीक हुआ है। तो आखिर अगर लॉकडाउन मतलब रखेगा ही सरकार तो कब तक रखेगा, कोई टाइम लिमिट इसका है नहीं, और ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये ठीक कब होगा। क्या इसका कोई मतलब एंटीवायरस भी नहीं आया हुआ है, तो कोई मतलब ही नहीं है। लॉक सबको घर में बंद करके रख दो और कुछ ना हो। नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं चलती रास्ते में कुछ देखा हूँ कि कुछ मॉल वॉल खुल गया है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। कुछ ट्रेन का छूट दिया हुआ है घर जाने के लिए, स्पेशल ट्रेन का, तो वो सही है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए अभी भी, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत पिक पॉइंट में है ये कोरोना, क्योंकि डे टू डे हम लोग देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हर में बढ़ रहा है। जैसे कि कल के डेट में मुझे लग रहा है 9600 या 700 कुछ बढ़ा है, और रिकवरी का भी हार अच्छा है। अगर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सकता है तो मे बी हम लोग जीत सकते हैं कोरोना से। कुछ दिशा में देखेगा तो ठीक है, जैसे कि बाहर का आदमी लोग अपना अपना स्टेट में जाने का जो मौका मिल रहा है उसमें अपना सेफ्टी देख के अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जाना चाहिए। जैसे कि ये लाइन में दिखाया जा रहा है, ये एकदम मतलब कंजेस्टेड टाइप का लाइन जा रहा है, इतना नहीं जाना चाहिए। अपने आप से खुद से जब तक सेफ्टी नहीं आएगा ना तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। खास करके ये बिहार पटना में अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो मॉल वगैरह सब कुछ इतना ये से खोल गया है, मतलब पूरा भरपूर मजा ले रहा है आदमी, लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कोविड-19 करके कुछ है। सही तो नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है। मतलब घर में लोग कितना दिन तक रहेंगे, खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि घर के अंदर रह करके क्या अर्निंग होगा। अर्निंग अगर घर के अंदर होता तो लोग बाहर क्यों निकलते, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो। लोग घर के ही अंदर अगर अर्निंग हो जाता, खाने के लिए मिल जाता, तो लोग घर के अंदर ही रहते। लेकिन रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो आप सेफ अपना थोड़ा सा सैनिटाइज़र लगा करके रखे अपने पास, मास्क लगा के रखे और बाहर निकले, और काम तो करना ही है। बस यही है कि थोड़ा सा सेफ रह के काम करें। लॉकडाउन जहाँ तक ढिलाई किया गया है, मजबूरी भी है करना, और लोग को खुद जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। जितना ज़्यादा जागरूक लोग होंगे उतना ज़्यादा सेफ्टी उन्हीं के लिए होगा। देखिए, ढील तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, कैसे काम वाम नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर लोगों को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, ठीक है। सरकार कितने ही तो लॉक रखेगा, सरकार को भी घाटा है, लोगों को भी घर में बैठे बैठे पैसा तो आएगा नहीं, भूखे रह जाएंगे, काम तो करना ही पड़ेगा उनको भी। लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करके कैसे अपने आप को बचा कर सब काम करें, सड़कों पर निकले विदाउट मास्क, कितने घूम रहे हैं यहाँ पर, वो लोग गलती है, सरकार हाथ पकड़ के सबको नहीं ना पहनाएगा, कितना सरकार करेगा, ठीक है। तो लोग खुद जागरूक होंगे तभी सही होगा। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।